दोस्तों हमारा आज का एपिसोड बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है। कुछ चर्चाएं मैं आप लोगों के बीच फिर से करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर रंजीत कुमार यानी कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से वह सोशल मीडिया के माध्यम से कैंडिडेट से लाइव चैट शुरू किए हैं तब से काफ़ी बातें जो है क्लियर हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि हमें अखबारों के माध्यम से बातें मिलती थी लेकिन उसमें काफ़ी स्पष्टता नहीं आती थी, लेकिन जब से डॉक्टर रंजीत कुमार सर लाइव आना शुरू किए हैं सोशल मीडिया पर तब से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती है। तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, आप सभी ने जो है परसों डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी का लाइव देखा होगा, उस दौरान उन्होंने काफ़ी बातें स्पष्ट किया। सबसे पहला तो जो शेड्यूल को लेकर के हमारे मन में सवाल आ रहा था कि कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि 6-7 तारीख तक यानी कि 7 तारीख तक शेड्यूल आ जाएगा। दूसरी बातें जो स्पष्ट की उन्होंने, दिसंबर सीटेट का जो मुद्दा चल रहा था उस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से कहता आ रहा हूँ कि कट ऑफ डेट के कारण जो है सीटेट दिसंबर एलिजिबल नहीं है, वही बात उन्होंने भी स्पष्ट किया कि कट ऑफ डेट जो है वह उनके एग्ज़ाम से पहले का है। दिसंबर वाले के सीटेट के एग्ज़ाम से ही उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, उससे पहले का है, इसलिए वह भी एलिजिबल नहीं है, इसलिए उनको अलाउ करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने साथ साथ आश्वासन भी दिया कि उनके लिए क्या कुछ हो सकता है वह हम देखेंगे। इसमें तो है फिलहाल उन्हें मौका देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे कुछ क्या हो सकता है यानी कि जब होगा उस पर विचार करेंगे। और एक चीज़ और उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएलएड को प्राथमिकता के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो है कि डीएलएड का प्राथमिकता हटेगा, मुझे नहीं लगता है कि डीएलएड का प्राथमिकता हटेगा, मुझे लगता है कि डीएलएड का प्राथमिकता बरकरार रहेगा। चलिए अब आप लोगों के कुछ सवाल देख लेते हैं, जो पॉइंट आउट थे वो मैंने आप लोगों को कर दिए हैं। दीपक कुमार हाय जी, हाय इंद्रेश चंद्रवाल, हेलो सर, हेलो दीपक राज, हेलो सर, हेलो इंद्रेश चंद्रवाल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। लाल मोहन पांडे सर, 2019 में दिसंबर वाले जरूर गड़बड़ करेंगे मुझे लगता है। देखिए कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं ये लोग जो भी दिसंबर सीटेट वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर दिसंबर सीटेट वाले मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मुझे वह अपना विरोधी ना समझे, इतिहास गवाह है मैंने आज तक किसी का विरोध नहीं किया है। हाँ जो नियमानुसार सही होता है वह बात मैं बताता हूँ, तो सीधी बात है जो नियमानुसार सही होगा तो कुछ अभ्यर्थियों के विपरीत भी वह बातें जाएंगी, मैं नियमानुसार बात करता हूँ। तो दिसंबर के ऊपर आपने जब चर्चा कर ही दिया है तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यह जो दिसंबर अभ्यर्थी है वह कट ऑफ डेट के अनुसार एलिजिबल नहीं है, और जब एलिजिबल नहीं है, हाँ वह लोग इमोशनली ज़रूर कह रहे हैं कि नियोजन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय में होती है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए, जो कि सही है। मैं उनका इन बात से भावात्मक रूप से मैं उनके समर्थन में हूँ कि वो लोग सही कह रहे हैं कि लंबे समय में आता है नियोजन की प्रक्रिया तो हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए, भावात्मक रूप से वह सही है। लेकिन भावनाओं से काम नहीं चलता, नियम और जो एनसीईटी के रूल है, कट ऑफ डेट है, वह सब भी मायने रखता है। तो पहली बात तो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सर ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस नियोजन प्रक्रिया में वह लोग एलिजिबल नहीं है क्योंकि कट ऑफ डेट बीत चुका है, और यही बात मैं भी आप लोगों को बताता रहता हूं। और दूसरी बात, अगर कुछ बिचौलिए यानी कि जिनका सिर्फ रोजी रोटी चलाना काम है उनके बहकावे में आकर अगर यह लोग कोर्ट केस वगैरह भी करते हैं तो सीधी बात है जब डॉक्यूमेंट उनके सपोर्ट में नहीं है, हाँ इमोशनली वो लोग कह रहे हैं सही बात है कि काफ़ी लंबे समय पे नियोजन की प्रक्रिया होती है तो ठीक है, लेकिन
कोर्ट जो है वह इमोशन को देख के डिसीजन नहीं देता, वो डॉक्यूमेंट को देख के डिसीजन देता है। तो वह जो है वहाँ से उनको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है कोई भी आधार नहीं है उनके पास कोर्ट केस का, तो वहाँ से उनको निराशा मिल सकती है। आप जो दिसंबर वाले हैं वो लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपना विरोधी ना समझे, मैं नियमानुसार बात बता रहा हूँ, इतिहास गवाह है, मैंने आज तक किसी का विरोध नहीं किया है। NIOSDLED का जब पूरी दुनिया विरोध कर रही थी तब मैंने उन सभी का समर्थन किया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेंगे अगर देखना चाहे तो। तब मैंने उनका समर्थन किया, तो अगर मुझे विरोधी करना होता तो NIOSDLED का भी करता। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं जो नियमानुसार बात होती है वो बताता हूँ। अब और आगे क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से उनको निराशा हाथ लगेगी, ठीक है दोस्तों, और यही सब हो सकता है। तो खामा खामे मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, अपने पैसे को बचाएं, अपने धन को बर्बाद ना करें, बेरोजगार है उस पे और अपने धन को व्यर्थ ना गवाएं, और जो है आगे के लिए रणनीति तैयार करें। यानी यह जो नियोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद सातवें चरण को खुलवाने के लिए, जैसे पहले गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाई थी, उसी तरह का एकजुटता बना के रखें और नियोजन की प्रक्रिया, सातवां नियोजन की प्रक्रिया खुलवाने की तरफ ध्यान दें, जिसके लिए डॉक्टर रंजीत कुमार भी बार बार कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि हम इलेक्शन के बाद जो है अगली नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और आश्वासन भी दे रहे हैं लाइव वीडियो के दौरान कि हम उनके लिए विचार कर रहे हैं। अब क्या विचार कर रहे हैं यह तो वही जाने। अब आप लोगों के कुछ सवाल देख लेते हैं। विकास कुमार गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इंद्रेश चंद्रवाल सर, शेड्यूल कब तक आ जाएगा? देखिए रंजीत कुमार सिंह जी कह चुके हैं कि 7 तारीख तक आ जाएगा, तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अमित हाय आरबी सर, हाय जी। दीपक कैसे हैं आप जी? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दीपक राज का कमेंट था। भीमसेन जोशी, कैंप लागू हुआ सर जी? देखिए अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि हम विचार कर रहे हैं कैंप के ऊपर, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि इस बार फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं होने का चांस मिलेगा जरा सा भी। डॉक्यूमेंट को पहले ही वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विकास कुमार सर, दिसंबर सीटेट वाला केस करने जा रहा है, क्या अब होगा? देखिए मैंने आपको बता दिया, इस मैटर को पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है। इंद्रेश चंद्रवाल, रंजीत सर का बहुत बहुत आभार। जी हाँ, बहुत बहुत आभार, मैंने भी पहले ही आभार व्यक्त कर दिया है। लाल मोहन पांडे सर, डॉक्टर रंजीत कुमार सर जी क्या बातों में कितना दम है? देखिए दम हो या ना हो, लेकिन हमें उनकी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वही हैं, और जब वही है तो सीधी बात है कि काफ़ी दमखम भी उनके पास है, और दम रखते हैं तभी बात करते हैं। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि सितंबर मिड तक जो है नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, और शेड्यूल भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो सब कुछ स्पष्ट अपने आप ही हो जाएगा। मुझे उन पे अभी पूरा भरोसा है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो। माही जी, क्या सीटर दिसंबर वालों को मौका मिलेगा? देखिए स्पष्ट कर चुके हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी कि उनको अभी मौका नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ डेट जो है पहले बीत चुका है और उन्होंने तब तक एग्जाम भी नहीं दिया था। अमरजीत विजेता, सीटर दिसंबर को मौका मिलेगा? देखिए अभी तो कोई ऐसा चांस दिख नहीं रहा है। इंद्रेश चंद्रवाल, लाल मोहन 100% लाल मोहन पांडे सर, रंजीत सर वही बोलते हैं जो नीतीश कहते हैं। देखिए हो सकता है वो वही बोलते हों, लेकिन अभी जो वो बोल रहे हैं वो हमारे लिए सकारात्मक है, तो हमें उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। अगर सकारात्मक कुछ बोल रहे हैं और अगर वह चीज़ वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 दिन का डेट मांगा है, शेड्यूल जारी करते हैं, अगर वो करके दिखाते हैं तो हमारा काम हो रहा है, चाहे वो किसी के जरिए भी हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। ठीक है जी। रंजीत सर ने तो बीएड और डीएलएड को लड़ा दिया। देखिए मुझे नहीं लगता, अपना पर्सनल व्यू मैं दे रहा हूँ, कि डीएलएड की प्राथमिकता अब समाप्त होने जा रही है, यह कहने वाली बात है फिलहाल, लेकिन क्या होता है यह हमें देखने वाली बात होगी। दीपक राज, नियोजन हो पाएगा कि नहीं? जी हाँ, होने की पूरी पूरी उम्मीद है।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विवेक कुमार सर, एनआईएस वाले को आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या एससी कैटेगरी वाले को? देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो सब पे पड़ेगा। देखिए कुछ भी बदलाव होता है तो परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होता ही है, तो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत इफेक्ट सब पे पड़ेगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है एनआईएस डीएलएड के, बस थोड़ा सा 19-20 का चेंजेस, माइनर चेंजेस कह सकते हैं आप, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ भी चेंजों के साथ बस यह नियोजन की प्रक्रिया जल्दी हो जाए यही मैं उम्मीद करता हूँ, और इसी उम्मीद